अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 7 को। पहले हम इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, आपने इनको ऐड करके उनकी फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अभी जो नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स आपको मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर के तौर पे दिए गए हैं, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी आपको लिखी हुई नजर आएंगी, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखी हुई नजर आएंगी, लेकिन एट दी एंड वो किसी और फ्रैक्शन में ऐड ही हो रही होंगी। तो आपने ऐड करके उनकी फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। आगे लिखा हुआ है लीव ईच आंसर एज मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एप्लीकेबल। वो कह रहे हैं जहां पर एप्लीकेबल हो सके वहां पे आपने अपने आंसर को मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मिक्स नंबर किसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो मैं बहुत शॉर्ट सा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा हो, ऐसे उस फ्रैक्शन को आप बोलते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है जो कि न्यूमरेटर कहलाता है 3, वो बड़ा है नीचे लिखे हुए नंबर से जो कि डिनोमिनेटर कहलाता है 2। यानी 3 बड़ा है 2 से, ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है। तो ऐसी फ्रैक्शन को आप बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और ये फ्रैक्शंस क्यों जरूरी हैं? क्योंकि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी तो आप उन्हीं को जस्ट मिक्स नंबर की फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुई तो उनको आप मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जहां पर एप्लीकेबल हो सके, यानी अगर आपका आंसर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो डेफिनेटली आप उसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हुआ तो फिर आप उसको नहीं लिख सकते। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप इसी कंसेप्ट को एक तरह का उल्टा दें। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा था, अब इसको अगर मैं उल्टा दूं तो आप कहेंगे अगर ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा हो जाए, जैसे इस फ्रैक्शन में 1/2, 1 जो है छोटा है 2 बड़ा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप क्या बोला करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब रहेगी बात सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, तो हम उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं जिसमें ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। यानी 1 ही एक ऐसा नंबर हो जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसके अलावा और कोई नंबर मौजूद ना हो एज अ कॉमन फैक्टर, तो तब आप बोलते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन जो है वो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपने अपने आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, प्रॉपर किसको बोलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। अब रह गया मिक्स नंबर, तो आप देखें यहां पर ए पार्ट में 2 मिक्स नंबर ही लिखे हुए हैं, आप इनको मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ये पहला आपके पास जो मिक्स नंबर है, मैं इसको अगर यहां पे लिखूं, ये है 1 whole and 1/7। तो इस ये जो मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं या मिक्स नंबर होते हैं, इसमें ये वाला जो नंबर लिखा होता है यहाँ पर बिल्कुल सेपरेटली, इसको आप होल पार्ट बोलते हैं और कभी कभार होल नंबर भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक जैसे ही है। और यहाँ पे जो ये इसकी फ्रैक्शन लिखी होती है इसको आप बोल रहे होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जस्ट फ्रैक्शन भी बोल लेंगे तो भी इसका मीनिंग वही रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट को मिलाकर ही आपका मिक्स नंबर जो है बनता है। तो जब भी हमने 2 मिक्स नंबर्स को ऐड करना होगा, याद रखिएगा हम इनके होल पार्ट को होल पार्ट में और इनके फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन इनको ऐड करने से पहले हम ये जरूर देख रहे होते हैं कि इनके जो फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं और फिर ऐड करते हैं। और यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, आप जिन भी फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर रहे होते हैं उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। फॉर्मेट मतलब जैसे आप देखें पहली वाली जो फ्रैक्शन है वो भी एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको आप मिक्स नंबर भी कह सकते हैं, और दूसरे भी जो आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है वो भी एक मिक्स फ्रैक्शन यानी मिक्स नंबर ही लिखी हुई है। तो मिक्स नंबर को मिक्स नंबर में ऐड कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक मिक्स नंबर ना होती तो फिर हम किसी तरीके से उन दोनों फ्रैक्शन का फॉर्मेट सेम करते, या तो दोनों को मिक्स फ्रैक्शन बनाते या जो मिक्स फ्रैक्शन पहले से है उसको कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते, तब हम चीजों को ऐड करते। ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया जब भी 2 मिक्स नंबर्स हों, जिस तरह दोनों ही मिक्स नंबर हैं, तो आपने इनको ऐड करने के लिए क्या करना है, इनके होल पार्ट को होल पार्ट में ऐड करना है। पहली वाली मिक्स नंबर का होल पार्ट 1 है, दूसरी वाली मिक्स नंबर का होल पार्ट 2 है। तो आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करें, आप लिखेंगे 1 प्लस
टू। तो देखिए मैंने दोनों के होल पार्ट को इस सम फॉर्म में लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ऐड कर रहे हैं आगे प्लस का दोबारा सिंबल, दोबारा से राउंड ब्रैकेट्स लगा लें और अब आप इनके जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं इनको ऐड करें, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है यानी सेवन है। अगर ये सेम ना होते तो पहले सेम करते फिर ये वाला प्रोसेस करते, तो यहाँ पे सेम है तो आप इनको लिखेंगे वन अपॉन सेवन जो है ये वाली फ्रैक्शन ऐड होगी दूसरे मिक्स नंबर के फ्रैक्शन पार्ट में यानी फाइव अपॉन सेवन में। अब बस आपने इनको सॉल्व करना है आगे, तो वन प्लस टू देखें कितना होता है, वो होता है थ्री, ये ब्रैकेट्स अब हटा देंगे, प्लस का साइन, यहां पर आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाएं पहले, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखेंगे, आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इस तरह हम करते हैं मैनेज, और जो न्यूमरेटर्स हैं वो एज इट इज उतार लिए जाएंगे, वन भी और ये बीच में प्लस भी एज इट इज और फाइव भी एज इट इज। आगे सॉल्व करें ये हो जाएगा थ्री, प्लस का वैसे ही साइन, वन प्लस फाइव कितना होता है सिक्स और नीचे आ जाएगा सेवन। अब राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं और आप जानते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन आती है ये लाजमी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि सिक्स और सेवन का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन ही है, इसके अलावा सिक्स और सेवन में आप कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यहाँ पे जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है आप इसको एज अ होल पार्ट लिख सकते हैं, यानी ये आपका एज अ होल पार्ट लिखा जाएगा क्योंकि हम इन पूरी चीज को एज अ मिक्स नंबर रिप्रेजेंट सकते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये इसके बिल्कुल इस तरीके से आगे लिख दिया जाता है जिस तरह मैं लिख रहा हूं 6 अपॉन 7 और इस प्लस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे आप इनको इस तरह कंबाइन करके लिख देंगे एज अ मिक्स नंबर, तो 3 होल पार्ट के तौर पे आ गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट के तौर पे आ गया, यही आपकी फाइनल वैल्यू है। देखें ये आंसर मिक्स नंबर में भी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, तो यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। यहां पर हमारा ए पार्ट हो गया, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर आप देखें जो पहला आपके पास नंबर है वो एक मिक्स नंबर है जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, जबकि जो दूसरी आपके पास यहां पे फ्रैक्शन लिखी हुई वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है। तो जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो, उनको ऐड करना हो लेकिन उनका फॉर्मेट सेम ना हो, एक मिक्स नंबर में है दूसरी वाली मिक्स नंबर में नहीं है, तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि जो मिक्स नंबर में होगी आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर दूसरी फ्रैक्शन में ऐड करवाइएगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा मेथड भी है कि आप 8/9 को भी मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें ताकि दोनों को ऐड करना आसान हो जाए। सबसे बेहतर यही है जिसमें आपके एरर्स कम आएंगे, जिसमें कैलकुलेशंस आसान होती है, कि आपके पास जो मिक्स नंबर लिखा होगा ना आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। अब यहां पर मैं एक और मेथड यूज करूंगा जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूं, दो मेथड है किसी भी मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में, एक थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एक बहुत शॉर्ट सा है, और जो शॉर्ट वाला है मैं वही यहां पर फॉलो कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं इस मिक्स नंबर को यहां पर लिख रहा हूं वन होल एंड टू अपॉन नाइन। तो जब भी कोई मिक्स नंबर आए और आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, डिनोमिनेटर आप वैसे ही लिखते हैं, तो नाइन में वैसे का वैसे लिखूंगा, नाइन को यहां पर जो होल पार्ट लिखा हुआ है उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी डिनोमिनेटर को हमेशा होल पार्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है। नाइन वन टाइम्स कितना होता है, वो होता है नाइन। तो आपको क्या मिला आंसर में, नाइन। जो आंसर मिलता है उसको यहां पर ऊपर लिखे हुए नंबर में ऐड कर दिया जाता है, यानी नाइन में आप ये ऐड कर दें टू या टू में आप ऐड कर दें नाइन, एक ही बात है। तो नाइन प्लस टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेवन। तो आपके पास ये जो इलेवन आता है फाइनल वो यहां पर आप न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसका मतलब आप इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करके एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं जो कि आएगी इलेवन अपॉन नाइन। तो इम्प्रॉपर इसलिए क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, आगे प्लस का साइन और ये हो जाएगा 8/9। अब आप बाकी स्टेप्स देखें, बाकी स्टेप्स का मतलब फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहां पे डिनोमिनेटर पहले से सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, तो आपके लिए चीजें आसान हो गई। आप इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, जो सेम डिनोमिनेटर है इसको एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनको एज इट इज साइन के साथ लिख देंगे 11, बीच में प्लस वैसे ही और यहां पर ये 8 भी वैसे का वैसे ही। तो 11 प्लस 8 कितना होता है, वो होता है 19 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, तो इसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है क्योंकि 19 डिवाइडेड बाय 9 लिखा हुआ है और 19 और 9 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी इनमें कोई भी कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। तो इसलिए अब आप इसको जो है किस फॉर्म में जस्ट लिखेंगे, मिक्स नंबर में। उसके भी दो मेथड हैं, दोनों सिखाए हुए, मैं यहाँ पे शॉर्ट वाला फॉलो कर रहा हूं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और शॉर्ट वाला क्या है कि आप इस 19 अपॉन 9 को जो है डिवाइड करें, यानी इस तरह करें 19 डिवाइडेड बाय 9 और आपको डिवीजन आती है 9 टू टाइम्स कितना होता है 18 और यहां पर 19 में से 18 को माइनस कर दें, वो क्या हो जाएगा 1। आपके पास क्या आ गया 1। तो आप यहां पर यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि ऊपर कोई और डिजिट्स है नहीं जिनको नीचे उतारा जाए। अब जस्ट आप इसको इस तरह लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा वो 9 वैसे का वैसे ही, यहां पर जो ये कोशेंट के तौर पर नंबर लिखा होता है यहां पर ये होल पार्ट के तौर पर वैसे ही आता है और जो नीचे रिमाइंडर लिखा होता है 1 वो यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो देखें आपने अपने आंसर को मिक्स नंबर में लिख लिया। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते थे, ये भी मैं
साथ बता रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो, आप जो मर्जी फॉलो कर लें। दूसरा मेथड ये होता है कि आप जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है इसका टेबल पढ़ें। आप देखिए 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 9 को कितने टाइम्स करूं कि आपके पास ऊपर लिखे हुए नंबर के पास पास आ जाए। आप जानते हैं कि 9 को 2 टाइम्स करेंगे तो आपको 18 मिलेगा और 18 सबसे क्लोजेस्ट है 19 के। तो जो नंबर आपको मिलता है 18 वो आप यहां पर लिख लें और नीचे जो डिनोमिनेटर है हमेशा की तरह वो वैसे ही रहेगा। अब आप देखें जो आपने ऊपर नंबर लिखा है इसमें क्या प्लस किया जाए कि 19 बन जाए, ऊपर लिखा हुआ नंबर बन जाए। तो 18 में 1 प्लस करके 19 बनता है तो आप इसमें प्लस 1 कर दें। अब आप इनको सेपरेट करके लिखें, आप यहां पे 18 ओवर 9 को अलग से प्लस इस 1 ओवर 9 को अलग से करके लिखें। तो 9 1 टाइम्स 9 होता है, 9 2 टाइम्स 18, यहां पे 2 आ जाएगा प्लस वैसे ही और 1 अपॉन 9 वैसे ही। और ये आपको बता चुका हूं जब इस तरह टर्म्स लिखी हुई आए तो ये आपके पास होल पार्ट होता है, इसको आप अलग से लिखते हैं और ये प्लस को इग्नोर कर देते हैं, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसको इसके साथ इस तरह मिलाकर लिख देते हैं। अब भी देखें आपके जो आंसर है वो बिल्कुल वही मैच कर रहा है आपके पास जो यहां पे मैंने निकाला है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको सिखाए हैं, अभी मैं शॉर्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं, आप बाकी पार्ट्स में ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं जैसा आपको आसान लगे। तो यहां पे ये सेकंड पार्ट भी हो गया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर देखें दोनों के दोनों ही मिक्स नंबर दिए हुए हैं, दोनों ही सेम फॉर्मेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी फॉर्मेट से किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। दोनों ही मिक्स नंबर है, उनको एड करके दिखाना है और दोनों मिक्स नंबर के जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनके डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होते इन फ्रैक्शनल पार्ट के तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं बाद में सारा प्रोसेस करते हैं। तो यहां पर सब काम आसान है। अब आपको पता है हमने क्या करना है, होल पार्ट को होल पार्ट में एड करवाना है, यानी यहां पर राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। होल पार्ट 2 है, दूसरी वाले मिक्स नंबर का होल पार्ट 5 है, तो 2 प्लस 5 लिखेंगे, आगे प्लस का सिंबल, फिर दोबारा राउंड ब्रैकेट्स और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करवाना है, यानी 8 अपॉन 15 को आप ऐड करवाएंगे 7 अपॉन 15 में इस तरीके से। अब आगे आप क्या करें, आप 2 प्लस 5 कर लें, यहां पे वो आपको पता है वो कितना हो जाएगा 7, राउंड ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन, यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरह की एक लाइन लगाएंगे डिनोमिनेटर को जो कि सेम है एक दफा लिख देंगे, ऊपर लिखी हुई टर्म भी एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे 8 प्लस और यहाँ पे 7। याद रखिएगा ये स्टेप सिर्फ तब कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के सेम हो, अगर सेम ना हो तो पहले सेम करने पड़ते हैं। आगे आप यहाँ पर 7 वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन वैसे ही, 7 प्लस 8 कितना होता है, 7 प्लस 8 या 8 प्लस 7 बोल लें, ये होता है 15, तो ऊपर भी 15 आ जाएगा नीचे भी आपके पास 15 आ जाएगा। और आपको पता है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर हों एक जैसे तो कट जाता है 1 आता है, यानी 15 1 टाइम्स 15, 15 1 टाइम्स 15, तो एक तरह का 1 ओवर 1 आ गया, 1 ओवर 1 को जस्ट आप 1 ही लिखते हैं, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर जस्ट 1। तो देखिए यहाँ पे 7 प्लस 1 बन गया, 7 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, वो होता है 8 के इक्वल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 8। अभी जस्ट होल नंबर ही आंसर आ गया तो यहाँ पे कोई मिक्स नंबर में बनाने में या बाकी चीजों को देखने में जरूरत ही नहीं है। तो आपका ये सी पार्ट भी हो गया, हमारा आंसर आ गया 8। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में भी देखिए हमारे पास दोनों के दोनों ही मिक्स नंबर्स हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर भी हमारे लिए आसानी है, हम होल पार्ट को होल पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करवाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज जो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी वो ये है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। आप देखें जो पहला आपके पास मिक्स नंबर है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर 5 है, दूसरा जो मिक्स नंबर है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर 10 है, तो आपको 5 को और 10 को एक जैसा बनाना है। तो 5 को हम 10 बना सकते हैं, आप जानते हैं 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि हम इनको कैसा सेम बनाएं, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा होता है इनका आप एलसीएम निकाल लिया करें। एलसीएम आपको आता है, जैसे मैं यहां पे 5 और 10 क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकाल रहा हूं। आप जानते हैं 5 और 10 दोनों के दोनों जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 1 टाइम्स 5 और 5 2 टाइम्स 10 होता है। तो 1 तो हम एज इट इज नीचे नोट डाउन करते हैं, आपको पता है 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो जब नीचे इस तरीके से आपके पास 1 1 आ जाए तो इसका मतलब यहां पे जो नंबर्स आपके पास लिखे हुए इनको मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कितना आ जाता है, वो आ जाता है 10। तो ये 10 आपको ये बता रहा होता है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स को 10 बना सकते हैं। तो यहां पे एक फ्रैक्शनल पार्ट का तो डिनोमिनेटर पहले से 10 है, लेकिन 5 को भी आप 10 बना सकते हैं, वो है 5 2 टाइम्स। तो ये आप खुद से मेंटली भी कर सकते हैं, अगर ना पता चल रहा हो कि कौन सा नंबर यहां पे सेम किया जा सकता है, सेम नीचे बनाया जा सकता है, तो आप एलसीएम निकालें, जो एलसीएम होगा वही डिनोमिनेटर में बनाया जा सकता होगा। तो यहां पे एलसीएम 10 आ रहा है, इसका मतलब आप 10 बना सकते हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे, मैं यहां पे 5 को एज अ होल पार्ट वैसे लिख रहा हूं, यहां पे क्योंकि नीचे 5 को 10 बनाना है तो 5 को नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, होल पार्ट को नहीं करना, याद रखिएगा, जस्ट ये फ्रैक्शन
सेकंड पार्ट में जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसको करना है, तो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से करवाया तो ऊपर भी 2 से करवाएंगे, प्लस का साइन, यहां पर 2 वैसे का वैसे ही और ये 3/10 भी वैसे का वैसे ही, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर पहले से 10 है, इधर कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा 5, 2 2 टाइम्स होता है 4, नीचे 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, यहां पर प्लस, यहां पर 2 और यहां पर 3/10 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें दोनों के दोनों मिक्स नंबर है और इनके फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर भी सेम हो चुका है। अब आप इनका अगला स्टेप करेंगे कि होल पार्ट को होल पार्ट में ऐड करवाएंगे, यानी राउंड ब्रैकेट्स 5 में ऐड करवा दें ये वाला 2 और प्लस का साइन, और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करवा दें, यानी 4/10 में ऐड करवा दें ये वाली फ्रैक्शनल पार्ट, यानी 3/10। अब चीजें आसान हो जाएंगी, 5+2 आपको पता है 7 होता है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पहले से सेम है, इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको एक दफा लिखेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और 4+3 लिख देंगे यहाँ पर एज इट इज 4+3। अब अगला स्टेप करेंगे, यहाँ पर 7 वैसे ही प्लस वैसे ही, 4+3 होता है 7, यहाँ पर 7 और नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए 7/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इन दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कोई कटिंग तो नहीं हो सकती। अब जस्ट इन दोनों चीजों को मिलाकर एज अ मिक्स नंबर प्रेजेंट कर दें, ये आपका हो गया होल पार्ट, प्लस को कर दें इग्नोर और 7/10 हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखें आपने अपने इस गिवन पार्ट की वैल्यू निकाल ली और वो भी मिक्स नंबर में निकाली और सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहां पर आपका ये पार्ट नंबर डी भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिक्स नंबर लिखे हुए हैं, ये पहला मिक्स नंबर है, ये दूसरा मिक्स नंबर है, दोनों को आपने ऐड करके दिखाना है, दोनों सेम ही फॉर्मेट में है, दोनों ही मिक्स नंबर है, तो ऐड करना आसान होगा। बस यहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, वो है इनका फ्रैक्शनल पार्ट, कि उसका डिनोमिनेटर क्या है। तो पहला जो मिक्स नंबर है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है 4/15, उसमें डिनोमिनेटर 15 है, और दूसरा जो मिक्स नंबर है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है वो 2/5, उसमें डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आपको पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, आप ये खुद से अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि 15 और 5 लिखा हुआ है तो आप 5 को 15 बना सकते हैं, और आप अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप 15 और 5 का एलसीएम लेके भी वो नंबर ढूंढ सकते हैं जो इनके डिनोमिनेटर में सेम बनाया जा सकता है। जैसे देखें यहां पे 15 लिखा हुआ है, इधर डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप बिल्कुल रफ वर्क में 5 और 15 का क्या फाइंड आउट कर लें, एलसीएम फाइंड आउट कर लें। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आता है, मैं चैप्टर 1 में भी सिखा चुका हूं, 5 और 15 दोनों 5 पर डिविजिबल है, 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 3 टाइम्स 15 और फिर दोबारा 3 1 टाइम्स 3 होता है, और ये 1 एज इट इज, नीचे 1 1 आ गया। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका एलसीएम कहलाएगा, तो एलसीएम आपके पास होगा 5 × 3 जिसको हम बोलेंगे 15। तो 15 का मतलब है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 15 बना सकते हैं। तो पहले जो फ्रैक्शन है उसमें तो डिनोमिनेटर में आपके पास 15 पहले से ही है, लेकिन जो दूसरा आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है या फ्रैक्शन जनरली बोल लें उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को 15 बनाया जा सकता है, 5 3 टाइम्स 15 होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले मिक्स नंबर को एज इट इज उतारेंगे, 1 whole 4/15, प्लस का साइन वैसे, ये होल पार्ट वैसे का वैसे, क्योंकि इधर 5 को 15 बनाना है, 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से नीचे करते हैं उसी को ऊपर भी करना पड़ता है, तो ऊपर जो लिखा हुआ 2 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1 whole 4/15 और ये प्लस का साइन, 3 वैसे का वैसे, 3 2 टाइम्स यहाँ पे 6 होता है, 5 3 टाइम्स यहाँ पे क्या होता है 15। तो आप देखें आपने इनके फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर सेम बना लिए, अब आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, होल पार्ट को होल पार्ट में ऐड करें, यानी 1 ऐड होगा दूसरे वाले मिक्स नंबर के होल पार्ट में यानी 3 में, प्लस का साइन, और फ्रैक्शनल पार्ट्स को फ्रैक्शनल पार्ट्स में ऐड कर दें राउंड ब्रैकेट्स, आप लिखेंगे 4/15 ऐड होगा 6/15 में, इस तरीके से। अब 1+3 तो करना आसान है, 1+3 आपके पास होता है 4, प्लस का साइन, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, एक लाइन लगाएं जो सेम डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिख दें, और जो इनके न्यूमरेटर्स हैं वो एज इट इज नोट डाउन कर ली जाएंगे, 4 प्लस और ये ऊपर वाला 6 वैसे का वैसे ही। अब आप फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस का साइन, 4+6 होता है 10, यहाँ पे 10 और नीचे आ जाएगा 15, राउंड ब्रैकेट लगाने की जरूरत अब नहीं रही। अब आप देखें 10/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 10 और 15 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, वो है जैसे 5, क्योंकि 5 2 टाइम्स 10 होता है, 5 3 टाइम्स 15 होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, आपने उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जैसे मैं यहाँ पर ले आया हूँ, तो ये आ जाएगा 4+2/3। अब 2 और 3 फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब आप इनको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका होल पार्ट यानी आपका होल नंबर है 4, प्लस को इग्नोर कर दें, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है यानी 2/3। तो देखें आपने अपने इस पार्ट का आंसर भी निकाल लिया मिक्स नंबर में सिंपल फॉर्म में, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर एफ की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। पार्ट नंबर एफ में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक मिक्स नंबर लिखा हुआ है और उसमें ऐड हो रही है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसको प्रॉपर इसलिए बोला जाएगा इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है। तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अगर फॉर्मेट सेम ना हो, जैसे आप देखें पहले वाला जो है वो आपके पास एक मिक्स नंबर है, दूसरा वाला मिक्स नंबर नहीं है, तो सबसे बेहतर ये तरीका होता है कि जो मिक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर बाकी प्रोसेस वैसा ही करें जो आपको सिंपल फ्रैक्शन में याद है हम ऐड करते वक्त और सबट्रैक्ट करते वक्त फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, ये जो मिक्स नंबर है हम इसको पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस मिक्स नंबर को मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने आपको मिक्स नंबर को आप कह ले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, इसके दो मेथड सिखाए हैं। यहां पर मैं शॉर्ट वाला मेथड यूज कर रहा हूं जिसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखना होता है। यहां पर जो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है वो है 10, आप उसको लिख लेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर को यहां पर लिखे हुए होल पार्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पर जो होल पार्ट है वो 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर 10 है, तो आप 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आता है 10। जो भी आंसर आपके पास आएगा उसमें आपने ऐड कर देना है यहां पर न्यूमरेटर में लिखा हुए नंबर को, ऊपर 3 लिखा हुआ है आप 10 में ऐड कर दे 3 तो 10 प्लस 3 कितना होता है 13 और ये फाइनल नंबर आपके पास यहां पर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। इसका मतलब आप 1 होल एंड 3 अपॉन 10 को लिख सकते हैं इंप्रॉपर फ्रैक्शन में 13 अपॉन 10। ये इंप्रॉपर इसलिए है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे वाले लिखे हुए नंबर से बड़ा है। आगे प्लस वैसे ही, 5 अपॉन 6 वैसे का वैसा ही। अब आप चीजों को मैनेज करें, अब आपको पता है सिंपल इनको आप फ्रैक्शंस की तरह देख रहे हैं और आप जानते हैं जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर 10 है, यहां पर डिनोमिनेटर 6 है, दोनों को हमें किसी सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। उसका एक तरीका एलसीएम भी आपको बता चुका हूं कि आप इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें 6 और 10 का। आप जानते हैं 6 और 10 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 3 टाइम्स 6, 2 5 टाइम्स 10, 3 तो अपने टेबल पर ही आएगा यानी 3 1 टाइम्स 3, 5 वैसे ही उतारना पड़ेगा और 5 भी अपने आप ही पे डिवाइड होगा 5 1 टाइम्स 5 और ये 1 वैसे ही। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 टाइम्स 15 होता है, 15 2 टाइम्स कितना होता है 30, तो आपको एलसीएम पता चल गया इनका क्या है 30। ये एलसीएम आपको ये बताया करेगा कि नीचे आप क्या नंबर बना सकते हैं, तो आपको ये बता दिया गया कि आप नीचे 30 बना सकते हैं। अब 10 को आप 30 कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं 10 3 टाइम्स 30 होता है, आप 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर लिखा हुआ जो 13 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को भी आप 30 ही बनाएंगे, 6 5 टाइम्स 30 होता है, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर जो 5 लिखा हुआ है इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप ये एलसीएम वाला मेथड नहीं भी फॉलो करना चाहते, आप खुद से देखते हैं कि हम आप इन दोनों नंबर्स को कोई खास नंबर बना सकते हैं, तो आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे आप देखें 13 को 3 टाइम्स करें तो आपके पास आएगा 39, नीचे 10 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 30, इधर 5 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25, इधर 6 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 30। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको लाइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर जो सेम एक दफा लिखेंगे, ऊपर 39 और प्लस और 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने यहां पर 39 को और 25 को ऐड कर देना है। अब 39 में आप 25 ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 64 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 30। तो यहां तक आपने इसको कर लिया, ऊपर 64 आ गया और नीचे आपके पास क्या आ गया 30। अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है क्या ये मिक्स फॉर्म में है कि नहीं, क्या ये सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 64 और 30 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आपको मिल जाएगा। वो कैसे, 30 और 64 दोनों 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 15 टाइम्स होता है 30 और 2 को 32 टाइम्स करें तो वो होता है 64। तो अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब ऊपर 32 है नीचे 15 है, ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है और कोई नंबर नहीं है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अब जस्ट आपने इसको मिक्स नंबर में लिखना है क्योंकि ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं और इसका भी दो मेथड सिखाए हुए हैं। यहां पे शॉर्ट वाला मेथड बता रहा हूं कि आप 32 को डिवाइड करेंगे 15 पर और 15 को देखें कितने टाइम्स करेंगे 32 के पास पास आ जाए, 15 2 टाइम्स क्योंकि वो 30 होता है, 32 माइनस 30 करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो यहां तक आप स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को क्योंकि ऊपर और कोई डिजिट नहीं जिसको नीचे उतारा जाए। अब आप लिखेंगे कैसे, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया वैसे का वैसे ही, जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा होता है नंबर उसको एज अ होल पार्ट और जो यहाँ पे बचा होता है रिमाइंडर उसको इसके बिल्कुल ऊपर। तो ये देखिए आपने अपना आंसर मिक्स नंबर में दे दिया। इसके अलावा दूसरा मेथड भी मैंने आपको जो है पिछले पार्ट्स में समझा दिया है, वो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर एफ जो है फिनिश हुआ, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन मेंशन है और उसमें ऐड हो रही है एक मिक्स फ्रैक्शन यानी एक मिक्स नंबर। तो आपको बता चुका हूं जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए और सबसे बेहतर यही है कि अगर आपके पास कोई एक मिक्स नंबर लिखा हो दूसरा ना लिखा हो तो जो मिक्स नंबर आपके पास लिखा होगा या मिक्स फ्रैक्शन लिखी होगी आप उसको भी इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। ये क्योंकि पहले से इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, जब आप इसको भी इंप्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे तो आपके लिए चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो यही हम यहां पर करेंगे, हम
13 अपॉन 4 को वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन वैसे ही। मैं आपको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना सिखा चुका हूं, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिखना है जो कि 6 है। डिनोमिनेटर को यहां पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यहां पे 6 है नीचे और डिनोमिनेटर के 6 है और यहां पर होल पार्ट में 1 है, तो 6 1 टाइम्स कितना होता है 6। जो आंसर आए इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर जो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर होता है वो उसमें ऐड करवा देना होता है, तो 6 में आप 5 ऐड करवा देंगे तो आपको मिलेगा 11, तो ये बन जाएगा 11/6। तो आप यहां पे लिख देंगे 11/6। तो देखिए आपने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो यहां पे 4 है एक का डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का, दूसरी का 6 है, आप 4 और 6 का एलसीएम लें। 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 3 वैसे का वैसे ही, और 3 1 टाइम्स 3 और ये वाला 1 का वैसे का वैसे ही। अब जो यहां पे नंबर्स आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, तो आपको एलसीएम पता चल जाएगा वो कितना आ गया 12। इसका मतलब ये है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स में 12 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे 12, आप जानते हैं 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे लिखे हुए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ 13 जो है वो भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 6 है, 6 को भी 12 बनाना है, तो 6 2 टाइम्स 12 होता है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन अगर आप एलसीएम नहीं भी निकालना चाहते और आप ये चीज पहले से जानते हैं कि भी 4 भी 12 बन सकता है, 6 भी बन सकता है, तो आप खुद भी मेंटली भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। 13 3 टाइम्स अप करें तो आता है 39, 4 3 टाइम्स करें वो होता है 12, 11 2 टाइम्स करें वो होता है 22, 6 2 टाइम्स करें वो होता है 12। अब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, एक लाइन लगाएं जो सेम डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर जो ये 39 लिखा हुआ है ये भी वैसे का वैसे ही, प्लस वैसे का वैसे ही और 22 भी वैसे का वैसे ही। अब 39 और 22 को आप ऐड कर लें, 39 प्लस 22 कितना होता है, वो होता है 61 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नीचे आ जाएगा 12। अब ये आ गया 61 डिवाइडेड बाय 12, 61 अपॉन 12। इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो जस्ट अब आप इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे और वो भी हम मेथड नंबर 2 से करेंगे, यानी 61 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 12 पर। 12 5 टाइम्स 60 होता है और 61 माइनस 61 होता है, यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि और ऊपर कोई डिजिट नहीं जिसको नीचे उतारा जाए। अब यहाँ पे किस तरह लिखेंगे इसको मिक्स नंबर में, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे जो लिखा होता है क्वेश्चन वो यहाँ पर और जो रिमाइंडर लिखा होता है वो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट के इधर ऊपर लिखा जाएगा। तो देखें आपने अपने इस आंसर को भी फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा भी एक मेथड आपको सिखाया हुआ है इन पार्ट में, उसके जरिए भी आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एच लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं एक मिक्स नंबर है और उसमें ऐड हो रही है दोबारा से एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है तो उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अगर कोई एक मिक्स नंबर है और दूसरा मिक्स नंबर नहीं है तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि जो मिक्स नंबर आपके पास गिवन है आप इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और इससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहां पर भी हम यही करेंगे कि जो 3 होल 5/7 एज अ मिक्स नंबर लिखा हुआ है इसको मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। अब आपको चीजें पता है कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आएगा, 7 को यहां पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 टाइम्स होता है 21, जो आंसर आएगा उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड कर देंगे, 21 प्लस 5 कितना होता है 26, तो यहां पे लिख देंगे 26। तो आप इसको लिखेंगे 26 अपॉन 7 प्लस वैसे का वैसे, यहाँ पे 9 अपॉन 11 वैसे का वैसे ही। अब देखें आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर ऐड करना है तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, इधर 7 है इधर 11 है, तो 7 और 11 को हम क्या बना सकते हैं कि सेम लगे। तो आपको मैंने एलसीएम बताया हुआ है, आप 7 और 11 का एलसीएम ले सकते हैं। तो 7 1 टाइम 7 होता है, 11 वैसे का वैसे ही, 11 1 टाइम 11 होता है, यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही। 11 और 7 को मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास एलसीएम आ जाएगा जो कि होता है 77। इसका मतलब आप इन दोनों नंबर्स को 77 बना सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे 7 को 77 बनाने के लिए, 7 11 टाइम 77 होता है तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 26 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 11 को 77 बनाना है तो 11 7 टाइम 77 होता है, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 26 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है ये आपने कर लेना है, 26 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 286, नीचे 7 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 77, इधर 9 7 टाइम्स होता है 63 और नीचे 11 7 टाइम्स होगा 77। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप इस तरह की एक लाइन लगाएं, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखें और इन नंबर्स को आपस में आप क्या कर दें ऐड यहां पर लिखने के बाद, तो 286 प्लस और ऊपर से उतारा 63। अब 286 में आपने क्या ऐड करना है 63 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 349 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 77। अब आपने ये देखना है कि जो 349 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 77 लिखा हुआ है, क्या इन दोनों नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर है,
तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन है, वन के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों लिखे हुए नंबर्स को ऊपर नीचे को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब जस्ट अब आपने इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा 349 को 77 से। अब 77 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपके पास आता है 385, जो कि जाहिर बात है इस नंबर से बड़ा हो जाता है। अगर आप 77 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट आपको 308 मिलेगा। तो यही आपको लिखना पड़ेगा। 9-8 होता है 1, 4-0 होता है 4, तो ये हो गया एक तरह का 41। अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। अब हम किस तरह लिखेंगे, 77 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही। ये आएगा एज अ कोशेंट, ये आ गया कोशेंट, और ये जो रिमाइंडर होता है ये आ गया इसके एज अ न्यूमरेटर पार्ट। तो देखें, आपने अपने आंसर को मिक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमने इन मिक्स नंबर्स को ऐड करके दिखाना था। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।